इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, माफिया सरगना अतीक अहमद की अवैध संपत्ति मामले में ईडी एक्शन की तैयारी में है। ईडी ने कई लोगों और रियल स्टेट कारोबारियों को नोटिस थमा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी इन लोगों और करीबियों पर, यानी कि जो कारोबारी हैं, जल्द ही उनसे पूछताछ भी कर सकती है। यही नहीं, ऐसे इन्वेस्टर्स पर शिकंजा कसने के साथ साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता और उत्तर प्रदेश पुलिस की वांटेड शाइस्ता प्रवीण पर भी शिकंजा कसने वाला है, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक गैंगस्टर घोषित करने की तैयारी में है और पकड़ नहीं पाई है। करीब 45 दिन बीत चुके हैं, लाइव शूटआउट में गैंगस्टर ब्रदर्स की हत्या कर दी गई। लगा कि अब अतीक एंड कंपनी का चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन अतीक और अशरफ अहमद की मौत के बाद उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति जांच के दायरे में है, और साथ में जांच के दायरे में आ रही हैं वो रियल एस्टेट कंपनियां और वो लोग जिनके नाम पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने देश और विदेश में अपनी काली कमाई को जमीन और फ्लैट में निवेश किया। अब ऐसे अवैध निवेश के मामलों में ईडी का एक्शन शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए अतीक अहमद ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति गुजरात, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में तैयार की, और इस निवेश को अंजाम देने वालों में कई रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हैं। वहीं कई लोगों के नाम पर बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। ऐसे लोग अब गैंगस्टर भाइयों की हत्या के बाद सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। तो वहीं 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अतीक ने यूपी के नेपाल बॉर्डर पर जमीनें खरीदी थी। जिन लोगों ने अतीक अहमद के कहने पर नेपाल बॉर्डर पर जमीन ली थी और जिन लोगों के नाम पर ली थी, वो सभी सूत्रों के मुताबिक ईडी के रडार पर हैं, और इनमें से कई को ईडी का नोटिस भेजा गया है। ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश के बहराइच और श्रावस्ती जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर खरीदी गई, और सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी बहुत जल्द ऐसी बेनामी संपत्तियों को अटैच कर सकती है। इसी तरीके से उन रियल स्टेट कंपनियों पर भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने अतीक अहमद की काली कमाई को जमीन और फिर फ्लैट में कन्वर्ट करने का काम किया था। सूत्रों के मुताबिक ये रियल स्टेट कंपनियां न सिर्फ अवैध तरीके से अतीक को रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने में मदद कर रही थीं, बल्कि उसकी काली कमाई का मैनेजमेंट भी संभाल रही थीं। ऐसी कंपनियों के अकाउंट सीज करने की तैयारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईडी के एक्शन से पहले ही ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां जो अतीक के लिए निवेश का इंतजाम करती थी और जिन कंपनियों में अतीक की अवैध रकम लगाई गई है, वो अब अतीक की मौत के बाद उसके परिवार को छोड़कर सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। अतीक और अशरफ की मौत के बाद शाइस्ता परवीन और जैनब ने सबसे पहले ऐसे लोगों का रुख किया जिनके पास अतीक की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा और उन पर ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन ईडी की सख्ती की वजह से वो ऐसे निवेशकों तक पहुंच नहीं सकी, और अब ये निवेशक सरकारी गवाह बनकर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की अखूत कमाई का हिसाब किताब ईडी के सामने खोलने को तैयार हैं। और बताया जा रहा है कि पुलिस ऐसे कॉल्स लगातार सुन रही है जिनसे साइस्ता और जैनब का सुराग लग सके, और यही वजह है कि जैनब और साइस्ता दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी से खुद को दूर किए हुए हैं ताकि उनका पता पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स जो गैंगस्टर भाइयों के करीबी थे और लगातार उनके पैसों को मैनेज कर रहे थे, डॉन बंधुओं के लिए जमीन और फ्लैट की शक्ल में अखूत दौलत तैयार कर रहे थे, उनसे शाइस्ता और जैनब संपर्क तक नहीं कर पा रही हैं, जबकि ऐसे निवेशक सरकारी गवाह बनने की तैयारी में हैं, जिनमें से एक है मोहम्मद मुस्लिम, जो लखनऊ का एक रियल एस्टेट कारोबारी है जिसने सबसे पहले गैंगस्टर भाइयों से किनारा किया और अतीक के बेटे पर रंगदारी मांगने के आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अतीक और अशरफ पर शूटआउट से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया सरगना की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया था, और एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ अतीक की करीब 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
लेकिन अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता परवीन को गैंगस्टर घोषित कर सकती है और जैसे ही शाइस्ता को गैंगस्टर घोषित किया जाएगा उसकी अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल सकता है। सीधे हम अपने सहयोगी अमित सिंह का रुख करते हैं लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पहले माफिया और उसके बाद गैंगस्टर शाइस्ता परवीन को घोषित करने की पूरी प्रक्रिया निभाई जा रही है, लेकिन इस वक्त क्या क्या प्रोसेस चल रहा है अमित, जरा हमारे दर्शकों को वो भी बताइए, क्योंकि गैंगस्टर किसी को घोषित करने के लिए संबंधित थाने से गैंग चार्ट बनता है और उसके बाद डीएम तक का अप्रूवल और तब वो गैंगस्टर बनता है, क्या ये प्रक्रिया निभाई जा रही है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही प्रक्रिया निभाई जा रही है इस वक्त। और शाइस्ता परवीन के खिलाफ फिलहाल आधा दर्जन मुकदमे जो हैं वो प्रयागराज में दर्ज है, तो लिहाजा अब एक नया पैतरा इसको देखा जा रहा है प्रयागराज पुलिस का। अब गैंगस्टर बनाएगी शाइस्ता परवीन को जो, और जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि IS-227 का गैंग की जो मुखिया होगी अब शाइस्ता परवीन होगी, और जैसे ही वो गैंगस्टर घोषित होगी शाइस्ता परवीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करेगी। ये एक तरीके का पैतरा देखा जा रहा है प्रयागराज पुलिस का, किसी तरीके से दबाव बनाया जाए शाइस्ता परवीन पे, ताकि शाइस्ता परवीन जो 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जो अब तक फरार चल रही है, वो पुलिस के सामने आए, वो सरेंडर करे। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से पुलिस सोर्सेस बता रहे हैं कि जो अतीक की जो अवैध कमाई है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया था साबरमती जेल में जाने के बाद 2014 लोकसभा चुनाव से पहले इंडो नेपाल बॉर्डर पर, वो भी बहराइच और सरवस्ती इलाके में, तो इन प्रॉपर्टीज को लेकर अब कहीं ना कहीं अहमद परिवार में ही अशरफ जो माफिया परिवार है उसी के अंदर द्वंद चल रहा है आपस में। एक खेमा जो है वो अशरफ की पत्नी जैमा के साथ है, तो जैनब के साथ है, तो दूसरा खेमा जो है वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ है। लेकिन जो शाइस्ता परवीन का जो खेमा है वो इस वक्त, लेकिन अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई शाइस्ता की, क्योंकि माफिया घोषित करने के बाद अब उसे गैंगस्टर भी घोषित किया जाना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक गैंग से जुड़े दुर्गे पर 1 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है। वसूली मामले में मोहम्मद मुजफ्फर नाम के शख्स पर FIR भी दर्ज किया जा चुका है। जानकारी मिल पा रही है कि कौशाम्बी के युवक ने 1 करोड़ की वसूली और धमकी देने का आरोप लगाया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरा मुफ्ती थाने में एक केस दर्ज हुआ है मोहम्मद मुजफ्फर पर FIR, और उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध वसूली का केस दर्ज हुआ है इससे मोहम्मद मुजफ्फर पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के चकिया में कसारी मसारी मोहल्ले के एक परिवार ने प्रयागराज पुलिस को शिकायत की है कि उनके ऊपर अतीक के गुर्गों ने फायरिंग की और उनके पैर में गोली भी लगी है। आरोप यह भी है कि काफी पहले से अतीक के गुर्गे इस परिवार को धमकियां दे रहे थे और उनसे 15 लाख रुपए की अवैध वसूली करना चाह रहे थे। तो इस शख्स के पैर में गोली लगी है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अतीक के गुर्गों ने ना सिर्फ धमकी दी बल्कि मकान खाली करने की धमकी देने के एवज में गोली भी मारी है, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। पैर में ये गोली लगी है, चला ले उतना नहीं मालूम, लेकिन जो गोली चलाई थी वो नबी अहमद चलाता है, 40 साल पहने हैं दरिया। आज अभी गोली मार के गया है नबी का लड़का सभी, उसका नाम है साथ में, हम नहीं पहचानते कौन लड़का था। आज अभी गोली मार के गया है नबी का लड़का सभी, उसका नाम है साथ में, हम नहीं पहचानते कौन लड़का था। तो अतीक तो चला गया, लेकिन अतीक के गुर्गों का कहर अब भी जारी, आतंक जारी। इस परिवार का यह भी दावा है कि ये कसारी मसारी मोहल्ले में 70 सालों से रह रहे हैं और मोहल्ले में अकेला हिंदू परिवार होने के नाते अतीक के गुर्गे उन्हें धमकाते रहे हैं और मकान खाली करके मोहल्ला छोड़कर चले जाने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, वसूली भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है या तो मकान खाली करो या फिर 15 लाख रुपए दो। तीनों भाई हैं, अतीक के गुर्दे हैं, ये अतीक के आदमी है, ये कह रहे हैं मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो नहीं 15 लाख रुपए दे दो, FIR ना लिखी जाएगी हमारी। और इससे पहले एक वीडियो भी इसी परिवार ने जारी किया था और दावा ये किया था कि अतीक के गुर्गे उन्हें घर के भीतर घुसकर और पिस्टल दिखाकर धमकी दे रहे थे।
और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे इस पूरी खबर को लेकर। सर्वेश, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने सालों से परिवार यहां पर रह रहा था और क्या अब भी गुर्गों का आतंक लगातार जारी है इस परिवार पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राकेश कुमार वैश्य का परिवार बताते हैं कि 1964 से चकिया मोहल्ले में रह रहा है, जो कि माफिया अतीक अहमद के घर से चंद कदमों की दूरी पर है और इस मोहल्ले में ये अकेला मुस्लिम परिवार है। इस मुस्लिम परिवार ने पिछले सोमवार को ये आरोप लगाया था और एक वीडियो जारी किया था दर्शकों को, जो हमने दिखाया कि तीन भाई हैं, नबी अहमद, इस्माइल, इसके अलावा इकराम, ये उनके घर पर 18 मई को पहुंचे और उन्हें धमकी दी और उससे 15 लाख रुपए मांगे और मकान खाली करने को कहा कि अगर मकान खाली कर दो या तो फिर 15 लाख रुपए दो। इस मामले में तहरीर दी गई है लेकिन एक हफ्ते का वक्त हो गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं है। पुलिस इसको पेशबंदी मान रही है, इस मामले की जांच कर रही है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि शनिवार की जो घटना है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो एक आरोपी रंगदारी मांगने का है नबी अहमद, उसके बेटे पर आरोप लगाया। और इस वक्त बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जिस कसारी मसारे इलाके में अतीक रहता था और अतीक के गुर्गे आसपास के इलाकों में, अब तो उनका पूरा कुनबा वहां से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अगर आकर धमकी दे रहे हैं तो पुलिस को अभी बहुत वक्त लगेगा इस पूरे इलाके से ऐसे गुंडे की सफाई करने में। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद की बहन और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे वो वक्त है जब CGM कोर्ट में आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होनी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको, आयशा नूरी जिस पर आरोप ये है कि गुड्डू मुस्लिम ने जब किसको मारा, उमेश पाल को, उसके बाद आयशा नूरी के घर पर यहां देखा गया, ये जो CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसी फुटेज को आधार बनाकर आयशा नूरी को भी सरेंडर करने के लिए कहा गया। हालांकि उसकी सरेंडर की प्रक्रिया को लेकर अभी भी सुनवाई होनी है, यानी आज दोपहर 2 बजे। और सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आयशा नूरी की सरेंडर मामले में सर्वेश आज सुनवाई होनी है, किस वक्त सुनवाई होगी? देखिए, लगभग 2 बजे आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर CGM कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल इस पूरे मामले में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का नाम विवेचना के दौरान आया था। उस पर आरोप है कि शूटर गुड्डू बमबाज को उसने न केवल पनाह दी बल्कि 17 घंटे तक 5 मार्च को वो उसके घर में था। इसके अलावा 50,000 रुपए की आर्थिक मदद आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक ने दिया था। और इस मामले में अब पुलिस ये आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है, इसी को लेकर कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इसमें धूमरगंज थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट पिछली सुनवाई पर आ चुकी है जिसमें पुलिस ने ये माना है कि आयशा नूरी मेरठ की निवासी है और साजिशकर्ता के रूप में उनका नाम को शामिल किया गया है। और पुलिस का ये दावा है इस सरेंडर अर्जी पर कि इस मामले में आयशा नूरी के खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, यानी सबूत उनके खिलाफ जुटाए जा रहे हैं और इसी पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट को यह तय करना है कि आयशा नूरी सरेंडर कर सकती है कि नहीं, इसी रिपोर्ट के आधार पर आज कोर्ट यह तय करेगी कि आयशा नूरी सरेंडर कर सकती है। लंबी कानूनी कार्रवाई, सुनवाई का दौर और उसके बाद आयशा नूरी को लेकर आज दोपहर तक सस्पेंस खत्म हो जाना है। बड़ी खबर इस वक्त एक और बता दें आपको, आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अहमदाबाद में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। लेकिन अहमदाबाद में आनंद फानंद में बाबा के दरबार स्थल को शिफ्ट किया गया है। पहले अहमदाबाद के चाणक्यपुरी में ये दरबार लगने वाला था लेकिन अब इसकी शिफ्टिंग कर ली गई है। और ये लोकेशन क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, रिंग रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं अहमदाबाद पहुंचते ही बाबा के तीखे तेवर भी देखने को मिले हैं। उन्होंने विरोधियों पर बड़ा प्रहार भी किया है, जानकारी मिल पा रही है कि सुरक्षा की वजह से बदलाव किया गया। सूरत के बाद अहमदाबाद पहुंचे बाबा बागेश्वर। 2 दिन तक अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार।
अहमदाबाद से विरोधियों को ललकारा। सूरत में चमत्कार और हनुमत कथा के बाद बाबा बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री अहम